हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल मैथ सॉल्वर ट्रिक पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बिहार बीएड के एग्ज़ाम के बारे में। 13 अगस्त 2021 को जो इसका एग्ज़ाम किया कराया गया था, कंडक्ट कराया गया था, तो उसके पेपर सॉल्यूशन के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। टोटल क्वेश्चन की संख्या 1 से लेकर 120 तक है, और इसमें जो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन करवाया जाएगा वो करीब आपका 95% से ज़्यादा इसमें सही मिलेगा। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन है, कुछ कुछ क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें रीजनिंग के भी है, कुछ जीके का ऐसा पोर्शन है जिस पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, मतलब 2 से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दें, बगल में बेल आइकन का निशान होगा तो उसे भी आप प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। तो बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हो, ये इंग्लिश पोर्शंस का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग इंग्लिश पर कवर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है दी हिस्ट्री ऑफ हिंदू रिलीजन डेट्स खाली स्थान एंशियंट टाइम्स है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें सिंस आपका बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद बोल रहा नॉर्मली ही स्टेज खाली स्थान अनटिल 11 PM दिस डेज, तो इसमें नन ऑफ दिज होगा क्योंकि आपका प्रीपोजिशन अनटिल पहले से भी आया हुआ है। ठीक है, तो डबल प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द विजिट ऑफ द PM हैज़ बीन एडवांस्ड 2 डेज। ठीक है, तो फॉर 2 डेज। ठीक है, नेक्स्ट आगे आ रहे हैं। नेक्स्ट आप ऐसा इसमें देख सकते हो द शिपयार्ड वॉज लुकिंग आफ्टर द खाली स्थान ऑफ शिप, तो इसमें फ्लॉक हो जाएगा, डी नंबर इसका सही है। ठीक है, फ्लॉक डी। दी पुलिस खाली स्थान दी मॉब द डिस्पर्स्ड, इसमें डिस्पर्स्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बोल रहा है इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ वन शुड ईट ए डाइट, तो इसमें बैलेंस डाइट की बात किया जा रहा है, बैलेंस डाइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ए सिंबल ऑफ साउंड्स, तो ये कहलाता है फोनेटिक्स। ठीक है, फोनेटिक्स कहलाता है। उसके बाद बोल रहा है लॉस ऑफ मेमोरी, तो बी नंबर एमनेसिया। ठीक है, एमनेसिया इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है। ए प्लेस वेयर वर्ड्स आर केप्ट, तो ये आपका ए नंबर हो जाएगा, एवियरी। ठीक है, एवियरी कहलाएगा। उसके बाद कह रहा है ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, तो इसका हो जाएगा आपका एनिमोलिसी। ठीक है, सॉरी सी नंबर एनिमोसिली। ठीक है, ये सी नंबर इसका सही आंसर है। अब देखिए इसके बाद पैसेज है, तो पैसेज आप मिला लीजिएगा। ठीक है, पढ़ तो लिए होंगे आप पहले से भी। ठीक है, तो पैसेज मिलाइएगा कि पैसेज में कौन कौन सारा सही आपका है। ठीक है, पैसेज आपने पहले से भी पढ़ लिया है, तो पैसेज को आप मिलाइएगा कि कौन कौन सा पैसेज आपका सही है। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। दी सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड, इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, डायग्नोसिंग। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो इसका फ्रेंड्स सिनोनिम जो होगा सी नंबर हो जाएगा, आइडेंटिफाइंग। ठीक है, आइडेंटिफाइंग, एक सेकेंड, आइडेंटिफाइंग इसका सही हो जाएगा। द मॉडर्न एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज, तो इसका क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्टिव। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा, इंस्ट्रक्टिव। 13 नंबर में बोल रहा है विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, तो लर्निंग का जो हो जाएगा वो हो जाएगा कंपल्सरी, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर इसका सही है, कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 14 नंबर पर आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर में क्या बोल रहा है, देयर इज नीड फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग बिकॉज, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, इट हेल्प्स पीपल टू लर्न मोर थिंग्स एंड लर्न बेटर। ठीक है, बी नंबर इसका सही होगा, बी। ठीक है, इसमें बी कर लीजिएगा, बी। नेक्स्ट आगे आते हैं, इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एन इंडिविजुअल, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ए नंबर, टेक्स इनिशिएटिव विथ और विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स, ए नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आगे आते हैं। अब देखिए समान हिंदी का प्रश्न है, समान हिंदी का प्रश्न में आइए। कराकृति, तो इसका हो जाएगा अपकृति पर आप टिक मारिएगा। पुनर्जन्म का ए नंबर, पुनः जोर जन्म। उसके बाद आते हैं दर्शनीय, तो दर्शनीय में कौन सा प्रत्यय है, तो ए नंबर हो जाएगा, ये प्रत्यय है। नेक्स्ट नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अर्थ की दृष्टि से निम्न में कौन सा भिन्न है, तो डी नंबर भिन्न है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, लड़के नदी में तैर रहे हैं उदाहरण किसका, तो अपूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट
यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो ये आपका हेतु हेतु मध्य भूतकाल का उदाहरण है। आग का तारा होना मतलब प्यारा होना। उसके बाद बोल रहा है निम्न में वायु का पर्यायवाची शब्द कौन है, तो समीर। नेक्स्ट आगे आते हैं, सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है, तो ये आपका प्रयुक्त होता है संज्ञा के स्थान पर, यानी बी नंबर हो जाएगा। निम्न में तद्भव शब्द कौन है, तो बी किवाड़। चलिए उसके बाद आपका एक पैसेज दिया हुआ है हिंदी में, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा फ्रेंड, फिर भी कुछ कुछ आपको नज़र आ ही रहा होगा। इसमें क्या बोल रहा, मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता है, तो बताइए मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता। आपने पैसेज भी पढ़ लिया होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धन की। ठीक है, धन देखिए किस ऑप्शन में है। ठीक है, पूजा उन्हीं की गई है जिन्होंने क्या किया है, तो मानव समाज की भलाई किया है। उनकी प्रतिष्ठा स्थायी नहीं रही जिन्होंने, तो जिन्होंने क्या किया है, तो धन बटोरा है। नेक्स्ट आगे आते हैं, नेक्स्ट बोल रहा है उनकी कीर्ति अच्छा है जिन्होंने क्या किया है, तो जिन्होंने मानव समाज का कल्याण किया है। किसकी पूजा सदैव नहीं होती, बताइए किसकी पूजा सदैव नहीं होती, तो धन की पूजा सदैव नहीं होती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़िए, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो रीजनिंग के क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। कह रहा भाषा क्या है, तो भाषा एक तरह का भावना ही है। ठीक है, आप टिक मार लीजिएगा भाषा में, तो ये आपका भावना हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा फ्रायड के अनुसार मन की संरचना की सही क्या है, सही कोटि क्या है, तो बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं, पुलिस वाले, एक सेकेंड, पुलिस वाले पोशाक पहनते हैं क्योंकि, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा पुलिस वाले के लिए उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है, यानी सी हो जाएगा। अनिल सुनील में दिलचस्पी नहीं लेते क्योंकि, तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसका बी नंबर हो जाएगा, अनिल अच्छा व्यवहार नहीं करता। नेक्स्ट, लोग गॉगल्स पहनते हैं, ठीक है, जो चश्मा जो होता है गॉगल्स पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, तो वे रोशनी की चकाचौंध से आँखों को बचाते हैं, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं, आगे क्या बोल रहा है देखिए, आगे ध्यान दीजिए, ये लगता है क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हो गया, मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ उसे, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। चलिए यहाँ से होगा, इधर लगता है 35 तक हो गया था, 35 तक हो गया, अब 36 आगे बढ़ते हैं। तो 36 नंबर में क्या बोल रहा, सभी पुस्तकें अभ्यास पुस्तिका है, और सेकेंड नंबर में क्या बोल रहा, कुछ प्रतियां नोबेल है। अब निष्कर्ष में आपको बताना है कि निष्कर्ष में क्या हो जाएगा, तो बताइए क्या हो जाएगा तो इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है बिल्ली वाला आपका क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्ली वाला का बताइए, इसका भी डी आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, डी नंबर मारिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं, 38 नंबर में क्या बोल रहा है, तो 38 नंबर मिलाइएगा फ्रेंड्स कि 38 नंबर में क्या हो जाएगा, तो 38 नंबर बोल रहा है कुछ लोग बुद्धिमान हैं कुछ लोग अमीर हैं, तो इसका सही आंसर भी इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, मनीष खिलाड़ी है, सारे खिलाड़ी लंबे हैं, तो इसका सही आंसर बताना है, तो इसमें ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है, सभी लड़के खूबसूरत हैं, सभी खूबसूरत प्यारे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका इसमें जो आप बहुत सारे लोग ए भी लगाए होंगे बी भी लगाए होंगे, तो इसे फ़िलहाल आप रहने दीजिए। ठीक है, इस ये आपका ए बी भी हो सकता है, तो इसे आप ऑब्जेक्शंस के लिए रहने दीजिए क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं, देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन, तो रीजनिंग तो आपने बनाया ही होगा, तो क्या बोल रहा है, 4, 16, 36, 64, तो आगे क्या हो जाएगा, तो ये स्क्वायरिंग किया हुआ है, तो स्क्वायरिंग किया यानी सी नंबर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है, 3, 11, 23, 59, तो इसका 83 हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है 1, 5, 13, 29, 61, तो इसका सही आंसर बताइए, तो इसका सही आंसर 125 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 3 दुनी ये 19 दुनी 38, आगे एक सेकेंड रुकिए थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर 38 नंबर हो जाएगा इसका, 38 हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद बोल रहा है 45 नंबर में क्या हो जाएगा,
तीन दो पाँच, सात दो नौ, नौ दो ग्यारह हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 11 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है प्लेटिनम चांदी से अत्यधिक महंगा है, क्यों महंगा है? तो ये आपको बताना है कि क्यों महंगा है। तो इसका सही आंसर होता है कम पाया जाने वाला, यही सही हो सकता है। ठीक है, सी नंबर ही सही हो सकता है इसका। बहरा हमेशा गूंगा होता है क्योंकि, क्योंकि बताइए, क्योंकि वो बी नंबर हो जाएगा। कान आंतरिक रूप से गला से जुड़ा रहता है। लोग अपने जूते पर रबर का तल्ला प्रयोग करते हैं क्योंकि वो टिकाऊ होते हैं। नेक्स्ट आगे आते हैं, बर्फ पानी पर तैरता है तो बताइए क्यों तैरता है? तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। बच्चे को धूम्रपान से बचना चाहिए, क्यों? क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को मिलाइएगा आप। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन महिला का युग्म है? तो आपने अगर बनाया होगा तो आपका आंसर आया होगा ए डी। ठीक है, डी नंबर। ई की पत्नी कौन है? तो ई की पत्नी उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट आगे बोल रहा है कि ए को कितने बच्चे हैं? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए को कितने बच्चे हैं? तो ए को हो जाएगा तीन बच्चे, तीन आंसर इसका सही हो जाएगा। बी की माता कौन है? तो बी की माता आपका ए हो जाएगा। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आइए, देखिए ये आपका क्वेश्चन समान जानकारी का जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। लेटर, ईमेल, टेलीफोन उदाहरण है, तो ये सब उदाहरण है मैसेज का। हिंदी के साहित्यकार हैं, तो इनमें से सभी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर भी, गोपाल सिंह नेपाली भी, और पंडित राम अवतार शर्मा भी हो जाएंगे। आगे बोल रहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? तो विजय कुमार चौधरी। नेक्स्ट आगे आते हैं, विश्व कबड्डी वर्ल्ड कप सर्किल 2020 का विजेता कौन है? तो फ्रेंड्स इसमें आपको बहुत सारे लोग भारत भी मारे, लेकिन आंसर पाकिस्तान होगा। ठीक है, चलिए मैं इसका एक डाटा दिखाता हूँ आपको। ठीक है, पहले वो आप डाटा देख लीजिएगा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको इस चीज़ पर गौर करना चाहिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। 2020 कबड्डी वर्ल्ड कप, 2020 टेपल टेस्डम कबड्डी वर्ल्ड कप। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिए जो लिखा हुआ है, यहाँ से कबड्डी वर्ल्ड कप। ठीक है, कबड्डी वर्ल्ड कप सर्किल स्टाइल हेल्ड इन फ्रॉम 9 फरवरी टू 16 फरवरी। ठीक है, आयोजन किया गया था और ये आपका पंजाब स्टेडियम लाहौर में किया गया था। द टूर्नामेंट प्लेड इन पंजाब और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ये एक डाटा हो गया। अब विनर कौन था? तो चलिए मैं आगे नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो होस्ट कंट्री जो था वो आपका पाकिस्तान होस्ट कंट्री था। ठीक है, और यहाँ फाइनल पोजीशंस में देख लीजिए, फाइनल पोजीशंस में, ठीक है, फाइनल पोजीशंस में क्या बोल रहा है? चैंपियंस, तो ये पाकिस्तान का। फिर फर्स्ट रनअप जो रहा था वो इंडिया रहा था, सेकेंड रनअप ईरान रहा था। ठीक है, तो इसके हिसाब से पाकिस्तान सही होगा। चलिए नेक्स्ट अब आगे आते हैं क्वेश्चंस पर। चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, भैंस की सबसे समुन्नत नस्ल कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुर्रा। ठीक है, अब आगे आते हैं, देखिए इसका मैं डाटा बताऊंगा अगला क्वेश्चंस का। करा PNR 381 किसकी वेराइटी है? तो ये आपका वेराइटी हो जाएगा चावल, इसका सही आंसर है। ठीक है, चावल। ठीक है, तो मैं इसका भी आपको एक डेटा दिखाता हूँ, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर चावल ही है। ठीक है, आप अपना गूगल्स पर अपना सर्च करके देखिएगा तो वो चावल ही बताएगा वेराइटी चावल का। बहुत सारे लोग धान भी मारे हैं। ठीक है, तो आप इसका डेटा अपना चेक कर लीजिएगा, ऐसे चावल ही होगा इसका सही आंसर। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो बताइए, नीति आयोग का गठन हो जाएगा जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट आगे आते हैं, डूरंड कप, बताइए डूरंड कप किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। भारतीय संविधान कैसा है? तो ना लचीला और ना ही कठोर है। नेक्स्ट आगे बोल रहा कि हिंदी कविता के लिए 2020 का साहित्य किसे मिला? प्रथम महिला कवित्री कौन थी, किसने जीता? तो ये अनामिका हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं,
कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 2 दिसंबर को, ठीक है। प्रोग्रामिंग में PHP क्या है? तो बहुत सारे लोगों ने बी नंबर मारा, लेकिन बी इसका सही आंसर नहीं होगा, इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे आते हैं, टिहरी, बताइए टिहरी भारत का सबसे ऊंचा बांध है, तो ये किस नदी पर है? तो ये आपका भागीरथी नदी पर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते, कौन से महान पुरुष का जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, जो कि शिक्षा मंत्री थे, तो याद रखिएगा। लेकिन शिक्षक दिवस कहेगा तो एस राधा कृष्णन, लेकिन शिक्षा कहेगा तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं, देखिए यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिएगा, बैंक नोट प्रेस कहाँ है? तो आप जानते हो कि बैंक नोट प्रेस जो है वो 4 जगह पर है इंडिया में, तो एक आपका नासिक में भी है, ठीक है, इसके अलावा देवास में भी है, देवास आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, तो देवास में भी है आपका है, ठीक है, इसके अलावा एक कलकत्ता में भी है, कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता में एक है, और इसके अलावा एक मैसूर में है। तो आप खुद सोचिए कि इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए नासिक भी है, देवास भी ऑप्शंस में है, अब इसमें क्या मार सकते हो? तो बहुत सारे लोगों ने नासिक भी मारा होगा, देवास भी इसमें टिक किया होगा। इस क्वेश्चंस को, ये बोनस क्वेश्चन आपका है, ठीक है, इसे आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है, हो सके इसमें आपको बोनस नंबर मिल जाए या ऑब्जेक्शन के लिए ये क्वेश्चन सही है। चलिए इसे हम यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है, नासिक भी हो सकता है, देवास भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बोल रहा कैटेगरी 1 में किस राज्य ने पंचायत पुरस्कार जीता है? तो ये क्या हो जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं, हाल ही में किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? तो सी नंबर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, हॉर्स पावर जो हो जाएगा 746 वाट्स का, आवृत्ति की इकाई क्या है? हर्ज है। नेक्स्ट, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पता होगा आपको, पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा? तो गंगा नदी बेसिन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS की बात बोल रहा है, तो पहला CDS कौन सा है? तो जनरल बिपिन रावत हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में आरंभ हुई थी? तो ये आपका हरियाणा हो जाएगा, हरियाणा के हिसार में। ललित कला एकेडमी की स्थापना 1954 हो जाएगा। दिल्ली के शासक शेर शाह जो थे वो, उनका मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में उनका मकबरा है। नेक्स्ट आगे आते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब बनाया गया? तो ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट नंबर इसका सही आंसर है। उसके बाद अब आगे कह रहा है, दरभंगा में सरस्वती एकेडमी की स्थापना कब हुई? तो बताइए कब हुआ दरभंगा में? तो आपने क्या मारा, आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दीजिए। तो फ्रेंड्स, इस सवाल का सही जवाब आपका 1 नंबर हो जाएगा, 1 जनवरी 1901 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किस राज्य से आरंभ की गई थी? तो ये राजस्थान हो जाएगा। आपातकाल के बीच पारित अति विवादित संशोधन कौन सा था? तो ये 42वां संशोधन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं, निम्नलिखित में कौन भारत में पारिस्थितिकी के पिता हैं? तो रामदेव मिश्रा यानी डी नंबर। अब आगे आते हैं, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो मनाया जाता है 1 नवंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय प्रेस दिवस यानी 1 नवंबर। नेक्स्ट आगे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन है? तो देखिए ऐसे तो बहुत लोगों ने क्रोम मारा होगा, ठीक है, तो इसे आप राउंड फिगर में रखिए इस क्वेश्चंस को, ठीक है, ऐसे क्रोम होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बेंजीन क्या है? तो बहुत सारे लोगों ने इसमें उपर्युक्त सभी मारा होगा, लेकिन मैं आपको कुछ डाटा दिखाता हूँ फ्रेंड्स, जिसमें गैसीय प्रदूषक भी हो सकता है या लिक्विड लिक्विड प्रदूषक भी हो सकता है। चलिए पहले वो आप डाटा देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस चीज़ को पहले आप ध्यान दीजिए, जब आप ये पढ़िएगा तो थोड़ा सा आपको कुछ ना कुछ तो क्लियर होगा ही। इसमें क्या बोल रहा है कि बेंजीन जो है पेट्रोलियम में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, ठीक है, पेट्रोलियम ने लिक्विड फॉर्म का हो गया। कोयले के शुष्क आसवन से अलकतरा, अलकतरे के प्रभाजी आसवन से बेंजीन बड़ी मात्रा में तैयार किया जाता है। यहाँ से एक एक
एक चीज़ ये क्लियर हो गया है कि ये आपका लिक्विड फॉर्म में भी रह सकता है, प्रदीपन गैस से प्राप्त है। देखिए यहाँ पर गैस तेल से, ठीक है, फैराडे ने 1825 में सर्वप्रथम इसे प्राप्त किया था, ठीक है, तो इसका गैस भी हो सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप राउंड फिगर में रखिएगा इसे, ठीक है, बेंजीन वाला जो क्वेश्चन है उसे भी राउंड फिगर में रखिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ाते, देखिए इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन जो है आपका दो दो ऑप्शंस वाला भी है, तो सब राउंड फिगर में फिलहाल आप रखिएगा। जब वो आंसर की आएगा तो उस समय आप मिला लीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, आज इसका आंसर एक से ज़्यादा है तो आप उस पर ऑब्जेक्शंस भी लगा सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ऑटोमोबाइल्स निकास से निकलने वाले अत्यधिक हानिकारक धातु प्रदूषक तत्व तो कौन है? तो बी नंबर लेड हो जाएगा। किसकी कमी से स्कर्वी होता है, यानी सी, विटामिन सी। नेक्स्ट अब देखिए जीवाणु, ठीक है, जीवाणु से होने वाले रोग कौन है? तो इसका आपका हो जाएगा कोढ़, यानी लेप्रोसी जिसको हम बोलते हैं। अगर इसका आप बैक्टीरिया का नाम देखिएगा तो इसका बैक्टीरिया का नाम है माइको बैक्टीरियम, ठीक है, लेप्री कुछ इस तरह से नाम है, माइको बैक्टीरियम लेप्री करके इसका नाम होता है, तो कोढ़ यानी लेप्रोसी हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने खसरा भी मारा होगा तो लेप्रोसी सही है, लेप्रोसी को आप मारिएगा। शुद्ध सोना कितना होता है? तो 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट आगे आते हैं, निम्नलिखित में कौन एक लौह अयस्क है? तो हेमेटाइट जो है लौह अयस्क है। ये आपका 96 नंबर क्वेश्चन है, 96 नंबर आपको बताना है कि 96 नंबर में क्या होगा। करा जब बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब क्या हो सकता है? तो व्यवस्था फेल हो गई है। निम्नलिखित में कौन सा प्रक्षेपित उपकरण नहीं है, ठीक है, तो प्रक्षेपित उपकरण इसमें से कौन नहीं है? तो पंपेट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं, किसने कहा कि मनुष्य पूर्ण है तथा शिक्षा मनुष्य में विद्वान पूर्णता की अभिव्यक्ति है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण का कार्य है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुदेशात्मक, ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं, निम्न में कौन एक अनौपचारिक संस्था है? तो अनौपचारिक संस्था जो आपका है सेमिनार। नेक्स्ट, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को समझ बनाना है, तो किसकी समझ बनाना है? तो नैतिक मूल्यों को समझ बनाना है। कक्षा शिक्षण में रुचि जागृत करने की निम्न विधि कौन सी है? तो ये आपका रुचि मापन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, शिक्षण का उद्देश्य है, तो शिक्षण का क्या उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा का? तो इसका आपका हो जाएगा, शिक्षण का जो उद्देश्य होना चाहिए वो छात्रों का ज्ञान उपलब्ध कराना। नेक्स्ट बोल रहा है जिज्ञासा, यानी जानने की इच्छा हो गया जिज्ञासा। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था यानी किशोरावस्था कहलाता है। नेक्स्ट आगे आते हैं, आगे क्या बोल रहा है, किसी परीक्षा में पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता। तो किस परीक्षा में पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता है? तो वस्तुनिष्ठता, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन प्रोजेक्टेड एड से संबंधित नहीं है? तो आपका ब्लैक बोर्ड हो जाएगा यानी श्याम पट। निम्न में कौन सा एक शिक्षण का बेहतर तरीका है? तो क्या हो सकता है ये? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रुति लेख एवं प्रदत्त कार्य, ठीक है। प्रयोजन विधि प्रतिपादित किसने किया था? तो ये हो जाएगा जॉन डेवी, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, SCERT है ना, तो बताइए SCERT कब बना था, SCERT स्थापित कब हुआ था, इसके बारे में पूछ रहा है कि SCERT कब स्थापित हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1988 ईस्वी। नेक्स्ट 111 क्वेश्चन है, निम्न में कौन से शिक्षक को आप अत्यधिक पसंद, किस शिक्षक को आप अत्यधिक पसंद करोगे? तो ये आपको बताना है कि किस शिक्षक को अत्यधिक पसंद करोगे, तो प्यारा और उच्च आदर्शात्मक दर्शन, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। मिड डे मील कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालयों के लिए इस विचार से शुरू किया गया था, तो किस विचार से शुरू किया गया था? तो नामांकन की संख्या बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट अब आगे आते हैं, आधुनिकीकरण प्रक्रिया है, तो बताइए आधुनिकीकरण किसकी प्रक्रिया है? तो ये आपका अनुकूलता एवं परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, यानी बी नंबर। कक्षा में व्यक्ति भेद का ज्ञान अध्यापक को मदद कराता है, तो किससे मदद कराता है? तो इसका सही आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर, यानी अध्ययन अध्यापन कार्य की योजना बनाने के लिए। नेक्स्ट
भारत में शिक्षा के इतिहास में निम्नांकित महत्वपूर्ण प्रभावों को कालिक क्रम में प्रदर्शित करें। तो इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, ए नंबर इसका सही आंसर। यानी पहले हो जाएगा प्रजातंत्र, उसके बाद धर्म, राजनीति और लास्ट में आधुनिकीकरण। नेक्स्ट अब आगे आते हैं, देखिए गणित वाला क्वेश्चन है। गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न कराता तथा इसके बाद छात्रों को पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कहता है। इस स्थिति में छात्र जिस नियम का पालन करता है वो कौन सा है? तो ये आपका अभ्यास हो जाएगा, ठीक है, ये टीचिंग लाइन का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है, जिन्होंने पढ़ा होगा तो उन्होंने ज़रूर बनाया होगा इसे। अब आगे बढ़ते हैं, शिक्षण प्रभावशीलता निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, शिक्षक को विषय के समझ का होना, ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010। नेक्स्ट आगे आते हैं, निम्न में शिक्षा के कौन से स्तंभों को समाज शास्त्र से सहारा मिला है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, देखिए इसका इसका हो जाएगा आपका दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए सीखना, ठीक है, तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा हूँ, कौन सा दर्शन शास्त्र है जो किसी अध्यापक की भूमिका का एक नियमबद्ध अनुशासनवादी के रूप में समर्थन करता है? ए नंबर हो जाएगा आदर्शवाद। नेक्स्ट, तो ये टोटल 120 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई। आप अपना नंबर अपना मिला लीजिएगा कि आपको कितना नंबर आ रहा है। मैं इतना आपको कह सकता हूँ कि 95% जो मैंने इसमें इसका आंसर जो बताया वो सही है, कुछ क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है, तो जैसे ही आंसर की आता है तो आप आंसर की से मिला लीजिएगा। इसके बाद जो ऑब्जेक्शन के लायक क्वेश्चन होगा उस पर ऑब्जेक्शन लगाइएगा, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन में बोनस भी हो सके मिल सकता है इसमें, ठीक है, तो अपना नंबर को ऑब्टेंड कर लीजिएगा कितना नंबर आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है, तो इसका भी रिजल्ट जल्द ही निकाल दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।